यमुनानगर का सिविल अस्पताल बीते कई महीनों से सुर्खियों में है। 119 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो कभी फर्जी ज्वाइनिंग लेटर की कहानी सामने आती है और फिर गिरफ्तारी भी होती है। पर बावजूद इसके स्थिति जो है बेहतर नहीं हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर का सिविल अस्पताल ऐसा लग रहा है मानो इसकी ग्रह दशा कुछ खास नहीं है। छोटे से ही समय में करोड़ों का अस्पताल कई आरोपों को झेल चुका है और अब एक और मरीजों का सही से इलाज नहीं हो रहा। सुविधा अच्छी है भाई। अच्छा, डॉक्टर टाइम पे मिल जाते हैं? हाँ जी। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, परेशानी होती है? नहीं, इतनी परेशानी तो है नहीं खैर। बाकी यार डॉक्टर मिल जाते हैं टाइम पे। अच्छा। थोड़ी सी दवाई में दिक्कत है, दवाई टाइम पे नहीं मिल रही है। अब मेरी जैसे काले पीले की दवाई चल रही है, 11 महीने हो गए मैंने यहाँ से दवाई लेते। बीच में पिछले फेरी दवाई 1.5 महीने बाद के करीब मिली थी। 119 करोड़ का ये अस्पताल हर बीमारी के इलाज के लिए हर तरीके से, इस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें रखी गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं, पर सबसे जरूरी डॉक्टर की संख्या जो है वो नाकाफी है। मरीज लंबी लाइनें लगाए रह जाते हैं, कई बार तो उन्हें घर तक लौटना पड़ जाता है। हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बना था, आज से 25 साल पहले बना हुआ है, वो इन्होंने मान नहीं रहे, उसको नहीं कर रहे। अरे हम तो जन्म से ही हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ठीक थोड़ी हो गए, हम तो बढ़ी गए। हमारी जो है ना, हमारे वो बढ़ी रही है एवरेज हमारी। ये तो नहीं आज हम ठीक हो गए, हमें पहले हमारी 70% थी, अब तो हम 100% पूरे हैं। अब पूरी कहानी समझिए। जिले के 191 सीनियर डॉक्टर्स में से सिर्फ 97 ही डॉक्टर सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं, बाकी के 96 पोस्ट्स लंबे समय से खाली पड़े हैं और यही स्थिति सपोर्टिंग स्टाफ की भी है। मशीनें हैं पर ऑपरेट करे तो कौन करे? जी देखिए, हमारे जिले में डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई पोजीशन ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है। हमारे पास सभी कैटेगरी में काफी पोस्टें खाली हैं और जहाँ डॉक्टर्स की बात की जाए, जो मेडिकल अफसर्स हैं हमारे पूरे जिले में, हमारे पास 191 पोस्ट सेंक्शन है, इनमें सिर्फ 97 ही फील्ड हैं और 96 पोस्टें खाली हैं। इसी तरह हमारे पास जो रेडियोग्राफर की 14 पोस्टें हैं पूरे जिले में, सिर्फ हमारे पास एक ही रेडियोग्राफर पोस्टेड है। इसी तरह से ML, MPSW मेल फीमेल और LTs फार्मासिस्ट स्टाफ नर्सिस भी हमारे पास पूरे नहीं हैं, तो इसके बारे में हम निरंतर मुख्यालय को डिमांड भेजते रहते हैं। हमारे पास सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में ही MD मेडिसिन और MD सेक्रेटरी, मतलब पूरे जिले में कहीं नहीं है, तो उसकी डिमांड हमने भेजी हुई है। लेकिन फिर भी हम अपनी, हमारे जो चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, वो पूरी कोशिश करता है कि लोगों को असुविधा ना हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर की सर्विसेज हों, पोस्टमार्टम सर्विसेज हों, VIP ड्यूटीज हों। क्योंकि हमारे यहाँ दो जगह पोस्टमार्टम होते हैं, एक तो जगाधरी में, यमुनानगर में 24x7 सर्विसेज होती हैं, जगाधरी में भी यमुनानगर में भी। दूसरा एक इमरजेंसी सर्विस होगी, दूसरा लेबर रूम सर्विसेज होगी, दूसरी सेंसिटिव सर्विसेज होगी, ब्लड बैंक सर्विसेज होगी, लैब सर्विसेज होगी, ये सब 24x7 है। तो हमारा स्टाफ जो है पूरी हार्ड वर्किंग स्टाफ है हमारा, और इतनी कम संख्या में होते हुए भी वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें और स्टाफ मिलता है, मेडिकल अफसर मिलते हैं, तो हमें काम करने में ज्यादा आसानी होगी। सिर्फ यमुनानगर के सिविल अस्पतालों में ही डॉक्टर्स का टोटा नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा के सरकारी छोटे बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। अब बड़ा सवाल यह है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देने से क्या स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी, या फिर जरूरत है कि मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए।